OnePlus Note CE 3 versus Motorola Edge 40 स्मार्टफोन। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर है। हाँ, आगे मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जो कि आपके काफी ज्यादा काम आने वाली हैं इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन बाय करते वक्त, तो उनको मिस मत करिएगा। ऑलराइट, यहाँ पर डिजाइन से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। डिजाइन के बारे में यहाँ पर बात करिए, नो डाउट दोनों का ही काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर OnePlus Note CE 3 के बारे में बात करिए, यहाँ पर आपको रियर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर आपको फ्लैट एजेस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। सेंटर में पंच होल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। साइड्स आपको यहाँ पर प्लास्टिक की देखने को मिलेंगी और OnePlus का जो टिपिकल अलर्ट स्लाइडर है वो आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। इवन तो जो Note CE सीरीज रहती है OnePlus की, उसमें अलर्ट स्लाइडर आता ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें Motorola Edge 40 के बारे में, इसमें आपको जो बैक है वो आपको लेदर की देखने को मिलेगी और यहाँ पर ट्रिपल नहीं बल्कि डुअल रियर कैमरा सेटअप है। यहाँ पर सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा। आगे की तरफ यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो आपको फ्लैट नहीं बल्कि कर्व एजेस वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि लिटरली काफी प्रीमियम फील भी देती है। सेंटर में पंच होल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। इसके अलावा बात करिए डिजाइन के बारे में, और डिटेल्स में जाएं, देन यहाँ पर जो Motorola Edge 40 है ये आता है आईपी रेटिंग 68 के साथ में, जो चीज यहाँ पर OnePlus Note CE 3 में नहीं देखने को मिलती है, हालांकि OnePlus के फ्लैगशिप फोन में भी नहीं। हालांकि यहाँ पर Motorola क्लेम करता है कि ये आईपी रेटिंग 68 के साथ में आने वाला दुनिया का सबसे स्लिमेस्ट 5G स्मार्टफोन है, तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर डिजाइन के बारे में बात हो ही चुकी है, तो साथ ही इसके डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों में ही नो डाउट काफी अच्छी डिस्प्लेस देखने को मिल जाएंगी। OnePlus Note CE 3 में आपको यहाँ पर बात करी है 6.7 इंचेस की FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आने वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें Motorola Edge 40 के बारे में, इसमें आपको 6.55 इंचेस की FHD प्लस रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। रिफ्रेश रेट जो है वो आपको Motorola में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करिए, दोनों में ही HDR 10 प्लस की सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। दोनों में ही DCI P3 कलर्स की यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन OnePlus में आपको 950 nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, Motorola में आपको 1200 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें, दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा फोन की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन डिस्प्ले वाइज देखा जाए कौन यहाँ पर विनर निकल कर आता है, नो डाउट Motorola यहाँ पर सिंगल हैंडेडली OnePlus को बीट कर जाता है। अभी बारी आती है हार्डवेयर की, तो ऑलमोस्ट सेम ही आपको यहाँ पर हार्डवेयर देखने को मिल जाएगा और मैं बोलूंगा काफी ठीक ठाक सा यहाँ पर हार्डवेयर है दोनों ही स्मार्टफोन्स में। पहले यहाँ पर बात करिए, दोनों में ही LPDDR 4X RAM टाइप मिल जाएगा, लेकिन OnePlus में आपको UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगी, Motorola में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगी। यहाँ पर रीड एंड राइट की स्पीड जो है इसमें डिफरेंस रहेगा, लेकिन मल्टीटास्किंग दोनों की ऑलमोस्ट सेम लेवल की ही रहने वाली है। इसके अलावा बात करें दोनों के प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर Motorola Edge 40 में आपको MediaTek का Dimensity 8020 यहाँ पर SoC देने को मिल जाएगा और OnePlus Note CE 3 में आपको Qualcomm Snapdragon 782G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अगर इन प्रोसेसर्स का दोनों का कंपैरिजन करा जाए, ऑन द पेपर में आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी में आपको कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो आपको रियलिटी में ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी। बेंचमार्क्स वाइज देखा जाए जो स्नैपड्रैगन 782G है वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जाता है। इसके अलावा बात करिए, जितना यहाँ पर हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है उतना ही दोनों ही स्मार्टफोन्स का यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए दोनों में ही एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड एंड्रॉइड स्किन देखने को मिल जाएंगी। OnePlus Note CE 3 में आपको यहाँ पर ऑक्सीजन OS 13.1 देखने को मिल जाएगा, Motorola के स्मार्टफोन में MyUX देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखा जाए दोनों ही स्मार्टफोन्स में दो दो साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिलेंगी, जो मेजर OS अपडेट्स हैं 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर OnePlus जो है वो एक बेटर पोजीशन में रहेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम रिसीव होती रहती है, दूसरा आप इनके सॉफ्टवेयर पर रिलाय भी कर सकते हैं। वहीं बात करें Motorola के बारे में, सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइम टू टाइम नहीं आ पाती है और दूसरा बग्स जो है काफी भरे पड़े हैं इनके सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर ये चीज आप कंसीडर जरूर कर लीजिएगा, कोई भी स्मार्टफोन बाय कर रहे हैं तो उसमें ये चीज जरूर चेक करिएगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइम टू टाइम आ रही है या नहीं, और दूसरा सॉफ्टवेयर बग्स को वो कितने जल्दी यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर बग्स हालांकि हर एक स्मार्टफोन में होते हैं, लेकिन Motorola कुछ ज्यादा ही बदनाम हो चुका है। लेकिन अगर साथ ही में कंपैरिजन करें दोनों की बैटरीज का, देन यहाँ पर काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। OnePlus Note CE 3 में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी, Motorola Edge 40 में आपको 4400mAh की बैटरी मिलेगी। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप आपको OnePlus में ज्यादा मिलेगा। फास्ट चार्जिंग कंपेयर करी जाए तो 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी आपको Motorola Edge 40 में, OnePlus Note CE 3 में आपको 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। तो यहाँ पर भी काफी बड़ा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर Motorola के पास में एक प्लस पॉइंट है जो कि है वायरलेस चार्जिंग का। 15 वोल्ट की यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगी Motorola Edge 40 स्मार्टफोन में। इसके अलावा छोटे छोटे फीचर्स यहाँ पर कंपेयर करे जाए, यहाँ पर OnePlus में आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ में आप रिमोटली चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की
सपोर्ट मिल जाएगी दोनों ही स्मार्टफोन्स में। इसके अलावा बात करिए दोनों में NFC सपोर्ट मिल जाएगी और यहाँ पर बात करें ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो अभी फाइनली बात करेंगे दोनों के कैमरा सेटअप्स के बारे में। OnePlus में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, Motorola में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा सेंस भी बनाता है। यहाँ पर OnePlus में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी इमेज सेंसर मिल जाता है जो की सोनी का IMX890 इमेज सेंसर है। फ्लैगशिप लेवल का यहाँ पर सेंसर यूज किया गया है। एंट्री कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाएगा। थर्ड कैमरा आपको लेजेंडरी मिल जाएगा मैक्रो सेंसर जो कि 2 मेगापिक्सल का रहने वाला है और यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा OnePlus Nord CE3 में। Motorola Edge 40 के बारे में बात करी है, इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी इमेज सेंसर मिल जाएगा जो कि यहाँ पर ओमनी विजन का यहाँ पर सेंसर रहने वाला है। तो ये चीज आप थोड़ी सी कंसीडर कर लीजिएगा कि दोनों में से कौन सा सेंसर आप प्रेफर करेंगे। इसके अलावा सेकेंडरी कैमरा जो है वो आपको 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिल जाएगा जिसका यूज करके आप मैक्रो शॉट्स भी ले पाएंगे। ये अप्रोच मुझे Motorola की काफी अच्छी लगी क्योंकि आपको कोई भी फालतू 2 मेगापिक्सल का सेंसर नहीं मिल रहा है बल्कि 13 मेगापिक्सल का सेंसर यूज करके ही आप अल्ट्रा वाइड एंगल की फोटोज भी ले पाएंगे और मैक्रो शॉट्स भी ले पाएंगे। 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। दोनों में ही आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी मिल जाएगी लेकिन दोनों की कैमरा या फिर वीडियो क्वालिटी कैसे रहने वाली है ये रियल टाइम टेस्टिंग करने के बाद ही पता चल पाएगा। वेल इसके अलावा बात करें कंक्लूजन के बारे में कि दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। वेल अगर तो आपको चाहिए एक गेमिंग स्मार्टफोन देन आप दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन मत बाय करिए क्योंकि दोनों ही यहाँ पर मेनली गेमिंग को माइंड में रखकर नहीं डिजाइन करे गए हैं। गेमिंग के लिए आप पोको F5 चूज कर सकते हैं या फिर आईको का स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। अगर आपको एक चाहिए अच्छा पैकेज प्रॉपर पैकेज देन आप OnePlus Nord CE3 बाय कर सकते हैं। इसके पीछे काफी सारे रीजन है। सबसे पहला तो सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, काफी रिलायबल मिल जाएगा आपको। दूसरा बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग भी आपको ज्यादा मिल रही है। तीसरा यहाँ पर बात करें काफी अग्रेसिव प्राइस पॉइंट में रहेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टिप के बारे में बात करिए, अगर आपने दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन बाय करना है Motorola के तो लॉन्ग टर्म रिव्यूज अवेलेबल है देन आप देख सकते हैं लेकिन अगर आपने OnePlus Nord CE3 बाय करना है देन ये आप अभी मत बाय करिएगा, 15-20 दिन की वेट करिए, लॉन्ग टर्म रिव्यूज देखिए। अगर लॉन्ग टर्म रिव्यूज में अच्छा परफॉर्म कर जाता है देन आप बिना किसी प्रॉब्लम के इसको बाय कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने OnePlus Nord 3 को कंपेयर करा है IQ Neo 7 Pro के साथ में, वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।